हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द स्पेशल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जिंजर। अदरक खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, अगर आप अदरक को अपने डाइट में, अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेंगे तो आपको इससे मिलने वाले बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो फायदे का लुत्फ उठाने के लिए अदरक आपको यूज करना है, अदरक कैसे यूज करना हम सभी चीजें बताएंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाते हैं ताकि इस इन्फॉर्मेशन को आप गेन करें, फिट रहें, फाइन रहें और डिजीज फ्री लाइफ को फॉलो करें। तो चलिए हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आप भी अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि जब खाने पीने का तरीका नहीं सही होगा, आप कब क्या खानी है, कब क्या चीज़ नहीं खाना है, कौन सी चीज़ के बाद क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर फिक्सअप नहीं होंगी तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा। कुछ भी खाएंगे डाइजेस्ट ही नहीं होगा, बस एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं ताकि आपका खाना पच सके, तो आपको उन्हें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है ताकि खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो। तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप हेल्थी चीजें यूज करेंगे उससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, आप जिंजर ऐड कर लीजिए, इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इफ यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर डाइजेस्टिव सिस्टम यू हैव टू यूज अ जिंजर। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप जिंजर का यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा डेली अदरक का खाइए, आपको इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगला बेनिफिट ये है कि ये कैंसर होने के चांसेस को कम करता है। कैसे कम करता है, इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कैंसर होने के चांसेस को कम कर। मैंने ऐसा नहीं बताया कि कैंसर को ही नहीं होने देगा, या कैंसर हुआ है तो आप अदरक खा के कैंसर ठीक कर सकते हैं, नहीं ठीक कर सकते हैं, आपको अपना ट्रीटमेंट भी कराना है। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी बीमारी हुई है तो आप डॉक्टर क्या कहते हैं, एडवाइस क्या देते हैं कि आप हेल्थी चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो डिजीज़ जल्दी ठीक होगी, उसी तरीके से अगर आपको कैंसर हुआ है तो आप कैंसर हुआ है उस कंडीशन में अगर आप अदरक खाते हैं तो हो सकता है आपका कैंसर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए, आपका लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो जाए, और कैंसर हो भी ना मतलब हो ना, इसके भी चांसेस को ये क्या करेगा, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज वॉमिटिंग। बहुत सारे लोग होते हैं ट्रैवल करते हैं उस समय उन्हें वॉमिटिंग फील होता है, या जब घबराहट होती है उस समय उन्हें वॉमिटिंग फील होता है, या हल्का फुल्का कुछ भी खा लेते हैं, पेट पूरी तरीके से नहीं भरता है फिर भी वॉमिटिंग फील हो रही है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए अदरक का, उसे अच्छे से तवे पे फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने का मतलब भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, बस डेली खाना शुरू कर दीजिए, देखिए अपने आप सॉल्व हो जाएगी, किसी दवाई किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बेनिफिट इज रिड्यूस पेन। कहीं पे भी बॉडी में दर्द है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, तो बॉडी में कहीं पे भी इंफ्लामेशन है, कहीं पे भी पेन है, उसे भी ये कम कर देता है। तो अगर आपको भी आपकी बॉडी में कहीं दर्द है, आपको दर्द महसूस हो रहा है तो ये रिड्यूस कर देगा, दर्द को भी कम करता है। तो अदरक का यूज करिए, सारी प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट बेनिफिट इज मेंटल प्रॉब्लम। अगर आपकी मानसिक प्रॉब्लम है, या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या आप मतलब हल्का हल्का लगता है कि आप थोड़े से मेंटल हैं, उस कंडीशन पे भी एक मेंटल पेशेंट को हम अदरक का छोटा सा टुकड़ा देकर धीरे धीरे उसकी मेंटल प्रॉब्लम विद मेडिसिन के साथ साथ ये भी ठीक कर देगा, ठीक कर सकते हैं हम। तो उसे दीजिए अगर आपके घर में कोई है, उसकी प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे सॉल्व। नेक्स्ट बेनिफिट इज माइग्रेशन। अगर आपको माइग्रेशन की प्रॉब्लम है तो आप माइग्रेशन की प्रॉब्लम में भी अदरक यूज करके माइग्रेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो अदरक खाइए और माइग्रेशन की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज, किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज ना हो, हार्ट में हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप अदरक यूज कर सकते हैं। और फिर क्या दिया है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है,
टू टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट इन आर बॉडी। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में, एक तो गुड एक तो बैड। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करेगा, ताकि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े और आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके, अपनी बॉडी को हेल्थी रख सके, अपने हार्ट को हेल्थी रख सके। तो अपने हार्ट को लाइफ टाइम तक हेल्थी रखने के लिए, फिट एंड फाइन रखने के लिए आप अदरक खाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट बेनिफिट इज एथराइटिस। अगर आपको एथराइटिस की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में भी अदरक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप में से कोई भी जो भी वीडियो सुन रहा है अपना वेट कम करना चाहता है, तो आप क्या करिए, अदरक को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसके बाद उसे पानी में डालकर थोड़ी देर तक उबाल दीजिए, 5 मिनट तक। जब उसका रस उस पानी के अंदर अच्छे से निकल जाए, तो उसे छान लीजिए। डेली आप दिन में एक बार उस पानी को पी लीजिए। इससे आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? वेट क्यों बढ़ता है? जब बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी होती है तभी आपका वेट बढ़ता है। तो एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बर्न होगी अगर आप अदरक का पानी पियेंगे, तो अदरक का पानी पियेंगे आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, तो आपका वेट नहीं इंक्रीज होगा। तो वेट कम करने के लिए आप अदरक पानी पीकर अपने वेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज इम्यून सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, ताकि आप किसी भी डिजीज से फाइट कर सके। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ताकि हम हमारी बॉडी बहुत सारी बीमारियों से फाइट कर सके। नेक्स्ट बेनिफिट इज गुड फॉर स्किन एंड हेयर। हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए अदरक बहुत ही अच्छा है। तो अदरक अगर आप यूज करते हैं तो आपके स्किन हेल्थी रहेगा, आपके हेयर्स हेल्थी रहेंगे। अब इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है? इसके अंदर वाटर, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, विटामिन ए, सी, B6, ई, के, लिपिड, फैटी एसिड। इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एक छोटे से अदरक में पाया जाता है। तो सोचिए, आप अदरक पानी पीते हैं या चाय बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अदरक डाल लीजिए। बस गुड़ की चाय बनानी है, चीनी की चाय नहीं बनानी है। चीनी क्यों नहीं खाना है, इसकी एक वीडियो बनाई, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा चीनी क्यों नहीं खाना चाहिए, तब आप चीनी खाना छोड़ दीजिए। तो अदरक का सही तरीके से, सही अमाउंट में यूज करिए, सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो अदरक का यूज करिए, खुद की बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए, डिजीज फ्री रखिए, दूसरा भी डिजीज फ्री रहे, फिट एंड फाइन रहे, इसके लिए आप ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए। और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए, अपने डाइट को हेल्थी डाइट बना लीजिए। जब भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हेल्थी होना चाहिए, आपका लंच हेल्थी होना चाहिए, आपका डिनर लाइट एंड हेल्थी होना चाहिए। रात में सोते समय आप हल्दी वाला दूध पीकर सोइए, सुबह उठने के बाद नींबू पानी पीकर पी लीजिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, आप लाइफ टाइम तक फिट एंड फाइन रहेंगे एंड डिजीज फ्री रहेंगे। आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो जिंजर का यूज़ करिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।